क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह कैप्टन कूल के नाम से मशहूर रहे महेंद्र सिंह धोनी आजकल विक्टर फोर्स में अपनी तैनाती को लेकर चर्चा में है। धोनी आज टेरिटोरियल आर्मी बटालियन ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह की यहाँ जबरन ड्यूटी नहीं लगाई गई है, बल्कि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ दौरा छोड़कर खुद इसमें जाने की इच्छा जताई और खुद ही इसे चुना है। अब वो विक्टर फोर्स के साथ कश्मीर में तैनात होंगे। विक्टर फोर्स में महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय से ट्रेनिंग लेने की योजना बना रहे थे, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते ये संभव नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राइफल्स के अंगों में से एक विक्टर फोर्स भारतीय सेना के सबसे खतरनाक मिशंस में से एक है। इसका गठन सन 1990 में हुआ था। इसका गठन नॉर्थ ईस्ट में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए किया गया था। सेना की ये टुकड़ी काउंटर इमरजेंसी यानी कि CIF के तौर पर काम करती है। इसे काउंटर टेररिस्ट फोर्स के तौर पर भी जाना जाता है। इस फोर्स की तैनाती जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद को देखते हुए की गई थी। विक्टर फोर्स राष्ट्रीय राइफल का ही अंग है। कश्मीर घाटी में अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और बड़गाम में विक्टर फोर्स की तैनाती है। इसमें इन्फेंट्री के जवान तैनात होते हैं। इसके अलावा और एयर डिफेंस और इंजीनियरिंग विंग के जवान भी तैनात होते हैं। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।